ये कौन सी मशीन है सर? ये सर अपनी शोकर मॉडल में है। अच्छा। जो आई थिंक जयपुर में कोई नहीं बनाता है और ऑल ओवर इंडिया में भी कोई नहीं बनाता होगा। अरे वाह, बेसिकली आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। साथियों, मैं संजय गुप्ता बिजनेस आइडिया के नए एपिसोड में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जानते हैं मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूँ। आज मैं साथियों बनारस चल के जयपुर आ चुका हूँ, राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी, जहाँ साथियों एक नहीं दो नहीं आपको 40 से 50 तरह की मशीनें मिलती है और दिखाई जाएगी आपको कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सर, ताजमहल देखना है तो आगरा जाना पड़ेगा, यूनिक चीज देखना है तो दुबई जाना पड़ेगा, पर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो राधा ट्रेडिंग कंपनी आना पड़ेगा कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आज इसी तलाश में बनारस चल के जयपुर आ चुका हूँ और आज हम सर से जानेंगे और समझेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है कि जो आप जहाँ रहते हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आइए सर से मिलते हैं और जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। एक सर छोटा सा परिचय मेरे साथियों को दीजिए अपना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार वैष्णव है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ मैं जी। और राजस्थान से है। अच्छा जी सर। तो सर आपके फैक्ट्री का क्या नाम है? अपना जो फैक्ट्री का नाम है अपना राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अच्छा जी। जयपुर में। सर कितनी पुरानी फैक्ट्री है आपको? कम से कम 10 से 15 साल पुराना काम है सर अपना। अच्छा सर, जो आप बिजनेस मेरे साथियों को बताते हैं या दिखाते हैं वो कौन सा आज बिजनेस आइडिया दिखाने वाले हैं? देखो वैसे तो मैं आपको काफी प्रोडक्ट्स दिखा चुका हूँ और भी इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको और आपके सामने लाना चाहता हूँ। अच्छा, आज कौन सा दिखाने वाले हैं? अब मैं डिस्पोजल लाइन्स में पेपर प्लेट मेकिंग मशीन का डबल डाई का प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी। जो कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जी जी, और इसको कोई भी कर सकता है इजिली ऑपरेट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिसे बताऊँ आपको कि ऐसी वो चीज है जिसका डेली यूज होता है, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल। जो भी प्रोडक्ट होता है जिसका यूज एक बार होने के बाद डिस्ट्रॉयड होता है, तो मतलब इसका डिमांड भी उतना ही है। जितना इसकी खपत उतना डिमांड भी, मार्केट में डिमांड भी उतना ही होगा और सब चीजें उतनी ही बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगा जी सर। बिल्कुल सर। सर ये जो मैं मशीन देख पा रहा हूँ आपका, ठीक है, ये डबल डाई में सिंगल डाई में है? जी सर, डबल डाई में है। अच्छा, डबल डाई में। इसका सर क्या प्रोडक्शन होने वाला है? प्रोडक्शन ये मान के चलो कम से कम 24 से 30 हजार के समथिंग रहेगा अपना पीसेस में जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जरा इसका कुछ फीचर उचर बताइए कि कैसे इसका चलाया जा सकता है। देखो मैं आपको डायरेक्टली खुद ही आपको ऑपरेट करके बताता हूँ। बिल्कुल, ठीक है सर। जरा करीब से दिखाइए। अपने हीटर्स पॉइंट होते हैं। अच्छा ठीक है सर, इनको ऑन करना होता है, इसमें लाइट ऑन हो जाती है, इसमें चारों हीटर ऑपरेट हो जाते हैं। अच्छा जी। ठीक है, 10 से 15 मिनट में गर्म होने का टाइम लगता है इसका। अच्छा ठीक है सर। अब इसको हम डायरेक्टली पीछे रोल इसका होता है वो पीछे लगता है, उसके बाद में रोल लग के फुली ऑटोमेटिक होती है जी। अच्छा सर। अब आप देखो कि मैं ऑपरेट करता हूँ इसको। इस तरीके से अपना प्रोडक्शन आएगा। अच्छा, अपने आप ही चलने लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल पैकिंग करने का आपका काम रहता है। अच्छा जी जी जी। और ये रोल कहाँ लगता है सर? जरा रोल जस्ट इसके पीछे लगा हुआ। आइए रोल भी हम दिखा देते हैं सर को, देखने साथ कितना आसानी से काम हो सकता है। बहुत, ये देखिए चैनल की मशीन है ना जी जी, चैनल की मशीन। इसमें आप 4 इंच से लेके 14 इंच तक का जो माल है इसी में बना सकते हो। अच्छा। और इसी मॉडल्स में कम से कम 4 से 10 तरीके के मॉडल्स है मेरे पास में। अच्छा जी। ये अपना चैनल मॉडल है, एंगल मॉडल है। अच्छा। गे बॉक्स का मॉडल है। अच्छा, ठीक है, शोकर में भी है और अपन बात करें हाइड्रोलिक में भी है, तो काफी सारे मॉडल्स मेरे पास में। अच्छा। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि ये जो अपना पेपर है ये सिल्वर लेमिनेटेड पेपर में बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आप केले पत्ते में भी बना सकते हो। अच्छा जी। साल पत्ते में भी बना सकते हो। अच्छा। और भी काफी एक जो कहते हैं प्रिंटेड पेपर जो आता है, बफर प्लेट्स होती है, वो डिफरेंट टाइप्स के वो पेपर्स होते हैं। बिल्कुल। जो आप इसको इसमें सब बना सकते हैं अपन। डाई चेंज होती है, दोनों तरीके डाई चेंज कर। सर इसके अलावा कौन सी और मशीन है आपके पास? ये तो मैं आपको एक पेपर प्लेट्स में भी ऑप्शन दिखाता हूँ। अच्छा। किस तरीके की मशीन भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी। ये कौन सी मशीन है सर? ये सर अपनी शोकर मॉडल में है। अच्छा। जो आई थिंक जयपुर में कोई नहीं बनाता है और ऑल ओवर इंडिया में भी कोई नहीं बनाता होगा। अरे वाह। तो बेसिकली आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। अच्छा जी। ठीक है, इसी के अंदर एक मॉडल और रहता है अपना, जो कि आप इसमें भी आ सकते हो। अच्छा, ये इसमें आप हाइड्रोलिक जिसे अपन बोलते हैं, इसमें आप स्लीपर भी बना सकते हो। अच्छा। और पेपर प्लेट भी बना सकते हो। अच्छा जी। और स्क्रबर भी। बड़ी मजबूत मशीन है सर ये तो। आप सर अब मान लीजिए कोई मशीन आपसे लेना चाहता है तो कितने रुपए से स्टार्टिंग है आपके यहाँ मशीन सर? देखो सर अपने पास पे कोई बिजनेस शुरू करना, अगर अपने पास ये चीजें अगर प्लेट्स में भी लेना चाहे तो मैनुअल इस बेसिकली स्टार्ट कर तो कम से कम 6000 के आसपास ले सकता है। 6000 रुपए से जी, चप्पल में मैनुअल। अच्छा, देखिए सर
6000 की मशीन है? 6000 रुपए की मशीन है सर। अच्छा जी। जी सर। स्लीपर काटने वाली? स्लीपर काटने वाला। ये कौन सी मशीन? ये स्लीपर हाइड्रोलिक में है। सी शेप जिसे अपन बोलते हैं, ये फुली ऑटोमेटिक रहती है। अच्छा जी। ठीक है सर, ये भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अरे वाह। इसमें 3 पेयर कटिंग एक साथ रहता है। हाँ जी सर। अरे वाह, इसकी क्या कीमत है? इसकी अपनी 75,000 है, 75,000 रुपए में मात्र ये मिलेगा। अच्छा। इसमें आपके डाइया, ग्राइंडर और ग्राइंडर ड्रिल, पेंटिंग बोर्ड, ये सब देंगे? सब कुछ, स्क्रिप्ट स्टैंड, डाई भी सब इसी के साथ देंगे? जी सब, सब कुछ, ऑल सेटअप। अच्छा जी, जी सर, एक बात और बताइए, ये मैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देख रहा हूँ, इसका क्या काम है? इसका सर अपना डिस्पोजल्स का ही काम है, पेपर कप मशीन का है। अच्छा, इसमें अच्छा। आप हर तरीके की मशीन भी आप मेरे पास में मिलेगा, जो कि आप इसकी सर्विस भी आप मेरे यहाँ करवा सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो बेसिकली आप सब चीजें इसमें, तो आप सर्विसिंग पॉइंट से भी आपका ये है? जी, ये देखो हमारे मैकेनिक है दिनेश जी पंडित। अच्छा, ये है। अरे सर, क्या नाम है? दिनेश जी। दिनेश जी नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले बिहार का। बिहार कहाँ? बिहार अपना भागलपुर। अच्छा, भागलपुर के रहने वाले हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी बनारस से चल के आया हूँ सर, और मैं चाहता हूँ लोगों को एक नया रोजगार दूँ, नया बिजनेस बताऊँ कि लोग अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ सर कितने साल से हैं आप? यहाँ कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो ये आप बना रहे हैं? जी सर, ये बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, खुद बना रहे? मशीन रिपेयरिंग का काम है, सर्विस का काम है। अच्छा, और ये बनाने का भी काम है। अच्छा जी, सर जरा कुछ पार्ट बताइए, बता सकते हैं तो मेरे साथियों को, जो कुछ नया हो, कुछ अलग हो, लोग नहीं जानते हो, कुछ बताइए आप। मैकेनिकल में ये जो होता है अपने पास में जी, कम्प्लीट ही है। अच्छा, जैसे अपना मशीन का आता है पूरा कम्प्लीट आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी जैसे कोई दिक्कत आना हो आता, कम्प्लीटेड सर्विस होती है यहाँ पे। अच्छा जी, चलिए सर, बहुत अच्छा, बहुत सर। अपने पास नई मशीन भी तैयार करते हैं। अच्छा, तो आपने देख ही लिया, सर्विसिंग एक मेन जो चीज़ है उसका अपना जो दिनेश जी पंडित है वो अच्छे तरीके से कवर करते हैं। बिल्कुल। और कोई इश्यूज भी आ जाता है मशीनरी में तो दैट्स ऑल, यहाँ पे पूरा काम हम करते हैं, बिल्कुल इजीली कर पाते हैं। बिल्कुल सर, मैं देख भी। और ट्रेनिंग की जो बात करें कि इंस्टॉलेशन भी हम फ्री देते हैं। अच्छा। जैसे कोई कस्टमर फाइनल होता है, उसके बाद में मशीन पहुंचती है, पहुंचने के बाद में वहाँ पे हमारा ऑपरेटर दिनेश जी जाएंगे, वहाँ पे उनको इंस्टॉल ट्रेनिंग देके आएंगे। अच्छा। वो मेरी ओर से फ्री रहेगा। अच्छा जी। हाँ, सब अलग अलग मशीन के हर तरीके के ऑपरेटर मेरे पास में सर। अच्छा, चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो मैं सर मान लेता हूँ ऑल ओवर स्टेट में भी ऑपरेटर सुविधा आपको रहेगी, ऐसे नहीं कि आप उड़ीसा से हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। सूरत से हैं तो आप ये समझ के चलो हर जगह पे ऑपरेटर्स अवेलेबल रहेंगे अपन। अच्छा जी। जी सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो मैं ये मान लूँ सर कि मान लीजिए कोई आपके पास पेपर प्लेट की मशीन लगाता है, ठीक है, तो कितना कमाई कर सकता है, कितना महीने का? तो बेसिकली एक बंदा, मैं मान के चलता हूँ कि अगर एक आदमी पेपर प्लेट मशीन लगाता है ना, तो बेसिकली 800 से 1200 रुपये का काम डेफिनेटली कर लेगा डेली का। जी। और वो मशीन कितने की होगी लगभग? मशीन आपको 65,000 से मेरे पास स्टार्ट रहेगा। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक जी सर, डबल डाई में। डबल डाई में। और सिंगल डाई कोई लेना चाहते? सिंगल डाई अपना स्टार्टिंगली मैम 45,000-45,000 से स्टार्ट रहेगा, जिसमें आपको विथ डाई हम आपको अवेलेबल करवा। अवेलेबल। साथियों को बताएं, दिखाएं कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर।